कितना दोष लगाने में आता है तो पहुंचा दो मरीजों आके दवा ले जाओ तैयार रखी है। आता है लबोपा जो तेरा नाम कोरोना, दिलदार भी लेते हैं जिगर काम कोरोना, तेरा भी ताल्लुक है जिगर सारा के घर से, यूं ही नहीं दुनिया में तू जिंदाबाद। कोरोना हाथों को मेरे रोके हैं कानून वतन का, हाथों को मेरे रोके हैं कानून वतन से मिटा देते तेरा, हाथों को मेरे रोके हैं कानून वतन का। जिंदाबाद मैं भाई, हाथों को मेरे रोके हैं कानून वतन का, मातम से मिटा देते तेरा नाम कोरोना। आज भाई हमारे बड़े भाई, हाथों को मेरे रोके हैं कानून वतन का, मगर मेरा दीदा, मेरा दीदा क्या है, मेरा दीदा क्या है, सुनिए, रिज सा सकता नहीं फर्श आजाद तक नैयर, ये मेरा अपना दीदा, अगर सबका दीदा हो तो बोला, रिज सा सकता नहीं फर्श आजाद तक नैयर, मल गए आए तकहीर यहाँ बैठी है, बहुत बहुत मुबारक है। निमोली के जो भी मेजबान इस जश्न मुबारक में अपने दिल की गहराइयों के साथ जुड़े हैं, मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार उनके इल्म में, उनके हिल्म में, उनके रोजी में, उनके रिस्क में बेपनाह बरकत अता करे। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज एक मतला एक शेर से करता हूँ, सुने कि वो जिन दुआओं में जहरा का हम सफर भरा मिला, वो जिन दुआओं में जहरा का हम सफर न मिला, वो जिन दुआओं में जहरा का हम सफर न मिला, दुआएं हो गई बूढ़ी मगर असर ना मिला। वाह वाह। जिन दुआओं में जहरा का हम सफर ना मिला, वो जिन दुआओं में जहरा का हम अर्शी भाई, मैं बड़ा मशहूर हूँ, खुसूसन हमारे पास अली जनाब अफसर अली इमाम साहब का जब फोन आया तो मैं अर्शी वास्ती साहब के दौलत पते पे मौजूद था, उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया था फैजाबाद में, चंदन फैजाबादी साहब ने कहा कि अर्शी वास्ती साहब मौजूद हैं, चलो यार एक मिनट तो मुलाकात कर ली जाए, हमने कहा ये हमारे लिए भाई से फख्र की बात है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा नाजिम जो हिंदुस्तान क्या बैरून हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है, ये शख्स का बड़प्पन है कि जब हमारे सिलू साहब का फोन आया तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस वक्त अर्शी वास्ती साहब के दौलत कदे पर हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ताज भाई उनको भी लेके आए, चंदन साहब भी मौजूद थे मेरे साथ। ये खुशनसीबी, ये हकीकत है, खुशनसीबी है, और खुसूसन ये इनका भी बड़प्पन है कि पोस्टर में नाम नहीं था और इनके वतन की महफिल थी, ये वतन की मोहब्बत थी, एक बार कहा मेरी नहीं सी आवाज पे, इन्होंने फौरन लगभग कहा कि नहीं मैं चलता हूँ और इंशाल्लाह बारगाह मौला में नजराने हकीकत पेश करूंगा। अर्ज करता हूँ कि वो जिन दुआओं में जहरा का हम सफर ना मिला, थोड़ी देर जुड़ जाइएगा, वो जिन दुआओं में जहरा का हम सफर ना मिला, दुआएं हो गई बूढ़ी मगर असर ना मिला, दुआएं हो गई बूढ़ी मगर असर ना मिला, गिरा था ताज जो बायत के सर से मक्तल में, उस एक ताज को दुनिया में कोई सर ना मिला। वो जिन दुआओं में जहरा का हम सफर ना मिला, दुआएं हो गई बूढ़ी मगर असर ना मिला। मेरे जवानों, जैसे आप थोड़ा सा पीछे बैठे हो, अगर थोड़ा सा वो जो आगे कुर्सी है थोड़ा सा अगर आप सिमट आए, आपसे नहीं कह रहा हूं, आपसे नहीं, जो पीछे वाले हैं थोड़ा थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाए तो कुर्सियां पूर हो जाए और हमको भी पढ़ने में महसूसियत महसूस हो और जो शायर बैठे हुए हैं उनको यकीन हो इस बात का कि महफिल खत्म नहीं हो रही है।
वाह, दुआएं हो गई बूढ़ी मगर असर न मिला। कोशिश ये करूंगा जो कलाम में पढ़ के गया वो पेश ना करूं, लेकिन हमारे जियारत फैजाबादी साहब का एक हुक्म है, इंशाल्लाह वो शामिल मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन उससे कब कुछ अशार समाज फरमा लें कि दुनिया में अगर सबरोज भैया शेर सुनो चंदन भाई कि दुनिया में अगर परचमे राजी नहीं होता, अहले इल्म तशरीफ रखते अगर मिसरे में सदाकत हो तो बोलिएगा, दुनिया में अगर परचमे गाजी नहीं होता, महफूज गमे शाहे हिजाजी नहीं होता। निमौली में मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, अहले इल्म तशरीफ रखते हैं, दुनिया में अगर परचमे गाजी नहीं होता, महफूज गमे शाहे हिजाजी नहीं होता, शब्बीर अगर पढ़ते न मक्तल में नमाजे, दुनिया में कहीं कोई नमाजी नहीं। असद भाई या नारा ऐसा लगाइए दोनों हाथों को बुलंद करके, जैसे अभी कमाल वासी साहब पढ़ रहे थे मैंने दुआ की थी कि उनकी सेहत के लिए नारा लगाइए, उनकी लंबी उम्र के लिए नारा लगाइए, एक नारा ऐसा लगाइए जो आपकी अजदाद की बख्शिश के लिए नजफे हसरत से करबला जाए और करबला से खाने काबा जाए, उनके अजदाद आपके अजदाद के हक में दुआ करके आए, एक नारा हैदरी। शब्बीर अगर करते ना, शब्बीर अगर पढ़ते ना मक्तल में नमाज, दुनिया में कहीं कोई नमाजी नहीं होता, दुनिया में कहीं कोई नमाजी नहीं होता। बहरहाल तालीम तामील हुक्म में मैं सिर्फ पूरा मुसद्दस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ दो तीन बंद सुन ले। ज़ियारत भाई सुनिए, ये खाके शिफा मैंने 20 साल कबल कही थी, 1992 में, 19 साल पहले, जब एक मरदूद ने बोलते कुरान की, शान में गुस्ताखियां की, बोलते कुरान के चाहने वालों को बेगुनाह कत्ल किया, आज भी एक ऐसे ही नाकिसुल अक्ल ने सामिते कुरान की शान में गुस्ताखी की, 26 आयतों के लिए हुकूमत से, हाँ 26 आयतों के लिए, जिसको ये नहीं मालूम है कि आयत लिखा कैसे जाएगा, उसने बदतमीजी की, तो भाई का हुक्म था कि उस मुसद्दस के चंद बंद पढ़ दे, मैं पढ़ता हूँ। इस पर न जाने कितने शायरों ने शायरी भी की है करबला की खाक के हवाले से, मैं करबला हूँ मैं खाक के शिफा हूँ, लेकिन ये यकीन मानिए मेरे 25-30 साल पुराना है कलाम है, मैं अर्ज कर रहा हूँ सुने, कहती कि मैं करबला, बच्चों थोड़ा सा बच्चों ये चाय जो है ना ये हमारे लिए हाय बन जाएगी, शेर सुने कि मैं करबला की खाक हूँ, मैं करबला की खाक हूँ खाके शिफा हूँ, मैं 10 साल के बाद मैं पढ़ भी रहा हूँ उसको, मैं करबला की खाक हूँ खाके शिफा हूँ, मैं मुर्दों को भी जिलाती हूँ ऐसी दवा हूँ मैं। माइक जो है गला पकड़ रहा भैया, मैं करबला की खाक हूँ खाके शिफा हूँ, मैं मुर्दों को भी जिलाती हूँ ऐसी दवा हूँ मैं, अब्बास बावफा की तरह बावफा हूँ मैं। खुसूसन एक एक मिसरे में तवज्जो का तालिब हूँ, मैं करबला की खाक हूँ खाके शिफा हूँ, मैं मुर्दों को भी जिलाती हूँ ऐसी दवा हूँ मैं, अब्बास बावफा की तरह बावफा हूँ मैं, शाहे नजफ के लाल की वो गर्द पा, मैंने मिसरा पढ़ दिया आपको जैसे सुनना सुनिए, अब बात सुनिए मौलाइयो बात सुनना, मैं करबला की खाक हूँ खाके शिफा हूँ, मैं मुर्दों को भी जिलाती हूँ ऐसी दवा हूँ मैं, अब्बास बावफा की तरह बावफा हूँ मैं, शाहे नजफ के लाल की वो गर्द पा हूँ मैं, ढूंढे ना ये जहां मुझे गर्दो गुबार में, रहती हूँ मैं मुसल्ले परवरदिगार में। ढूंढे ना ये जहां मुझे गर्दो गुबार में,
रहती हूं मैं मुसल्ले परवरदिगार, इंशाल्लाह शेर सुनेंगे, रहती हूं मैं मुसल्ले परवरदिगार में। आगे बढ़कर कर्बला की खाक क्या कह रही सुने, कहती कि खुशबू है मुझमें गुलशन अहमद के फूल से। मिस्रों का लुत्फ लीजिएगा भाई, बातों में ज़ियारत भाई वक्त ज़ाया ना करें, मिस्रा कत लीजिएगा, आप ही की फरमाइश है। सुने, कहती कि खुशबू है मुझमें गुलशन अहमद के फूल से, मैं हूँ अली हुसैन हसन और बतूल से। करबला किससे है सुने, कहती खुशबू है मुझमें गुलशन अहमद के फूल से, मैं हूँ अली हुसैन हसन और बतूल से। जाकर ये बात पूछ लो हर एक रसूल से, काबा चमक रहा है हमारी ही धूल से, काबा चमक रहा है हमारी ही धूल से। जिसके मकाम में मेरी जरा सी ये खाक है, उस घर का गोशा गोशा नजासत से पाक है। जिसके मकाम में रत्ती बराबर ये खाक है, जिसके मकाम में रत्ती बराबर ये खाक है, उस घर का गोशा गोशा, उस घर का गोशा गोशा नजासत से पाक है। आखिरी बंदे सिलसिले का सुने, उस घर का गोशा गोशा नजासत से पाक है। आगे बढ़ के क्या कह रही है कि उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली। उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली, हुर की तरह हुसैन से जन्नत उसे मिली। उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली, हुर की तरह हुसैन से जन्नत उसे मिली। जन्नत उसे मिली। यार क्या तो भाई, देखो मिस्रों का कत्ल ना करो यार। यार अहमद के फूल से, मैं हूँ अली हुसैन हुसैन और बतूल से। जाकर ये बात पूछ लो हर एक रसूल से, काबा चमक रहा है हमारी ही धूल से। जिसके मकाम रत्ती बराबर ये खाक है, उस घर का गोशा गोशा नजासत से पाक है। कहती कि उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली, हुर की तरह हुसैन से जन्नत उसे मिली। नफरत में मेरी जो मरा जिल्लत उसे मिली, मिसले यजीद दुनिया में लालत उसे मिली। दुश्मन का मेरे आखिरी अंजाम देख लो, अगर कुत्ते की मौत मर गया सत्ता।